असफलता इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी को नया मोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से परिश्रम, असफलता उनका पीछा छोड़ देती है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणी आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों आज बात करने वाले हैं BHTC और PTT 2021 के बारे में। एकमात्र अपना यहां से टारगेट रहेगा BHTC और PTT की 2021 का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में पर पूरा का पूरा डीपली तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात यहां पे सबसे बेस्ट खुशखबरी साथियों आपके लिए रहने वाली है कि आपको पेड कोर्स है वो बिल्कुल ही फ्री मिलने वाला, निःशुल्क अपनी क्लासेस शुरू होने वाली है। कब से आपकी पेड क्लास है जो आपको फ्री मिलेगा, यूट्यूब का नंबर वन कोर्स रहेगा। ये साथियों हम साबित कर चुके हैं 2020 के एग्जाम में, लगभग 126 प्लस सिलेक्शन देकर हम ये बात साबित कर चुके हैं कि फ्री के अंदर दिया जाने वाला सबसे अच्छा कोर्स रहने वाला है अपना कोर्स, जिसमें आपके लगभग 400 प्लस नंबर पिछले 126 लोगों के आए हैं। और अब की बार आपको 420 का टारगेट लेके चलना था कि आप आसानी से BHTC 2021 और PTT के एग्जाम को क्रैक कर सको। तो साथियों सबसे पहले यहां पे बात करेंगे पेड कोर्स फ्री कैसे प्राप्त होगा, कब से क्लासेस शुरू होने वाली है, क्या क्या क्लासेस का टाइम रहेगा और आप पेड कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करें पेड कोर्स, इसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रताप बेस शुरू होने वाला साथियों सभी के लिए, साथ साथ में इनका जो न्यू सिलेबस है वो न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है BHTC और PTT का, इन सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप साथियों विश्वास नहीं कर सकते हैं तो एक बार BHTC 2020 के बारे में हमारे बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी लेके देखिएगा कि किस प्रकार से अपने तैयारी की थी और कितने अच्छे सिलेक्शन लिए, ताकि आप आराम से इस बात पे विश्वास कर सकेंगे। तो जी हां साथियों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कोर्स के बारे में और क्लासेस कब से शुरू होगी, क्लासेस का आपको यहां पर टाइम टेबल बताया जाएगा। तो यहां धैर्य से बनाए रखना है, सोमवार से आपकी क्लासेस शुरू है। साथियों अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को हमारे चैनल पर आकर पूरा देखिएगा और फटाफट से साथियों क्या तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी बात कही कि असफलता मिलती है इंसान को तो असफलता इंसान को तोड़ देती है, लेकिन वही असफलता क्या करती है साथियों, जिंदगी को एक नया मोड़ देती है। अब इन असफलताओं से आप पीछा छुड़ाएं तो इनका रोना नहीं रोना है, बल्कि जो व्यक्ति जी जान से क्या करेगा, परिश्रम करेगा, असफलता क्या करेगी, उनका पीछा ही छोड़ देगी। तो यहां पे आज साथियों बात करने वाले हैं BHTC और PTT के बारे में। देखिए सबसे पहले दोनों की तुलना करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर मुझे तो PTT करनी है, BHTC नहीं करनी, मुझे PTT का कोर्स चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं मुझे तो BHTC का कोर्स चाहिए, PTT का नहीं करना। मैं आप बात करता हूं जैसे BHTC 2020 का पूरा कोर्स है वो चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मान लिया किसी का कॉल आया कि सर मुझे PTT 2020 का 21 का कोर्स चाहिए, कौन से का, PTT 2021 का, तो मैंने बता दिया कि भाई 2020 के BHTC वाले वीडियो डाले हुए वो आप देख लो। तो कहते हैं सर वो तो BHTC का है, मैं तो PTT का चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन आपके ये BHTC और PTT के बीच में जो कंफ्यूजन है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि आखिरकार क्या फर्क है एक BHTC और PTT के अंदर और क्या इनका सिलेबस है। दोनों का तुलनात्मक रूप से सिलेबस देखेंगे, साथ साथ में दोनों में क्या अंतर है, क्या PTT और BHTC दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में बात। तो सबसे पहले आपको निवेदन रहेगा कि जो भी लहर क्लासेज के इस चैनल पर पहली बार आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात की जाए साथियों, देखिए एक तरफ मैंने BHTC लिख दिया है, दूसरी तरफ मैंने PTT लिख दिया, यहां पर सब्जेक्ट लिख दिए कि कितने पर्सन आएंगे, किस सब्जेक्ट से BHTC में कितने पर्सन आने वाले हैं और PTT के अंदर कितने पर्सन आने हैं, उनके बारे में मैंने लिख दिया। तो सबसे पहला साथियों सब्जेक्ट रहेगा अपना शिक्षण अभिरुचि, भाग रहेगा कौन सा, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के साथियों जिसको शिक्षण योग्यता भी कहा जाएगा, शैक्षणिक योग्यता, इनकी जो शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभियोग्यता कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो साथियों इसके 50% आएंगे BHTC के अंदर और 50% आएंगे PTT के अंदर, कोई फर्क नहीं। आप कहेंगे पर्सन बराबर क्या, इनके टॉपिक में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप शिक्षण अभिरुचि BHTC के लिए, जो शिक्षण अभिरुचि आप BHTC के लिए पढ़ रहे हो वही शिक्षण अभिरुचि साथियों आपको किसके लिए पढ़नी है, PTT के लिए पढ़नी है। दोनों में 50-50% आने वाले, दोनों का लेवल भी सेम है, एक इंच का भी फर्क नहीं है, दोनों का कोर्स बिल्कुल क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो साथियों वो ऊपर लेवल पर BHTC लिखा जाए या PTT लिखा जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि शिक्षण अभिरुचि है तो समझ लो आप चाहे BHTC की तैयारी करो या PTT की तैयारी करो, बराबर आपका उसमें दोनों में योगदान रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे मानसिक योग्यता की, जिसको आप इंग्लिश में मेंटल एबिलिटी कहेंगे। तो साथियों BHTC के अंदर भी मेंटल एबिलिटी से 50% आएंगे और PTT के अंदर भी मेंटल एबिलिटी से कितने पर्सन आने वाले, 50%, कोई फर्क नहीं, इसमें दोनों में इक्वल है, दोनों के टॉपिक में कोई फर्क नहीं है, दोनों का लेवल भी बिल्कुल समान रहने वाला है साथियों, कोई फर्क नहीं है दोनों के
केंद्र क्या है, बराबर प्रश्न आने वाले मानसिक योग्यता के। दूसरा भाग अपना ये हो गया। अब बात की जाएगी तीसरा, तो हिंदी है तीसरा अपना भाग। बीएसटीसी केंद्र हिंदी के साथियों 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। जबकि पीटीटी में हिंदी के कितने प्रश्न आने वाले? 50 प्रश्न आने वाले। यानी कि आप चाहे बीएसटीसी की तैयारी करो या पीटीटी की तैयारी करो, हिंदी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि हिंदी के अंदर दोनों में प्रश्न आते हैं। बीएसटीसी की कर रहे हो तो 30 प्रश्न आएंगे, और अगर पीटीटी कर रहे हो तो 50 प्रश्न आएंगे। टॉपिक सभी में सेम है, टॉपिक सभी में सेम है, तो आप कहेंगे प्रश्न ज्यादा कैसे? बीएसटीसी के अंदर 30 प्रश्न आते हैं, मतलब प्रत्येक टॉपिक से कम कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन पीटीटी में 50 प्रश्न रहने, तो उसी एक ही टॉपिक से, जैसे पर्यायवाची वाले 4 प्रश्न आ गए, विलोम शब्द वाले 3 प्रश्न आ गए, ऐसे टॉपिक में से प्रश्न को बढ़ा के दिया जाता है। बाकी दोनों सेम है, आपको हिंदी भी साथियों दोनों के लिए पढ़नी ही पड़ेगी, यहां तक की अपन की बात रही। अब बात करें अंग्रेजी की, तो यहां से आपका थोड़ा सा आंकड़ा बदलने वाला है। आगे वाले जो भी दो आंकड़े जो मैंने लास्ट में लिखे वो थोड़े से बदलने वाले, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीएसटीसी के अंदर साथियों अंग्रेजी के 20 प्रश्न आने वाले। कितने प्रश्न आने वाले? 20 प्रश्न। जबकि पीटीटी के अंदर आपके इंग्लिश का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, अगर आप भाषा हिंदी चुनते हो तो। और अगर हिंदी नहीं चुनते हो तो इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे? 50 आएंगे, तो हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मेरे हिसाब से यहां पे आप समझ, मैं जानता हूं राजस्थान के अपने बैकग्राउंड को, तो यहां से आप जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी वो हिंदी ही चुनेंगे, इंग्लिश नहीं चुनेंगे। तो जिसने हिंदी चुनी उनके इंग्लिश का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, जबकि बीएसटीसी के अंदर साथियों आपका क्या इंग्लिश का प्रश्न आने वाला है। तो अब देखिएगा, अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की नहीं कर रहे हैं, फिर भी साथियों आपको अंग्रेजी तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बीएसटीसी में आने वाली। लेकिन आप ओनली फॉर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, तो साथियों इंग्लिश की क्लास आपके लिए कोई काम की नहीं है, इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि पीटीटी में इंग्लिश का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन बीएसटीसी वालों के लिए इंग्लिश क्या है, काम की चीज है, 20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद बात करेंगे जीके की, जीके का यहां पर क्या रोल रहने वाला है। जो साथियों 50 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के, बीएसटीसी के अंदर भी सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आएंगे, और पीटीटी के अंदर भी साथियों सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न आने वाले हैं? 50 प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है, मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि साथियों बीएसटीसी के अंदर जो 50 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान के, वो राजस्थान से आएंगे। देखिए मैंने पीछे लिखा है आरजे, मतलब ये राजस्थान जीके पूछा जाएगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान के आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसमें? बीएसटीसी में। जबकि साथियों पीटीटी में क्या होता है, पीटीटी के अंदर साथियों जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के, वो इंडिया के पूछे जाएंगे, यानी कि भारत सामान्य ज्ञान, जो भारत का सामान्य ज्ञान है, साथ साथ में राजस्थान का भारत में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि राजस्थान से ऐसा मानो कि 50% जो इंडिया का पूछा गया, इसमें से लगभग 20% राजस्थान से पूछे जाएंगे, 20% आपके किससे पूछिए, भारत से पूछ रही है, 10% करंट अफेयर, ऐसे करके 50% बनेगा। मतलब यहां पर राजस्थान का और भारत का दोनों का आपसे पूछा जाएगा पीटीटी के अंदर, जबकि बीएसटीसी के अंदर ओनली फॉर राजस्थान का पूछा जाएगा। तो यहां पर क्या है, अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी की दोनों की, तो साथियों आपको भारत का जीके पढ़ना होगा, साथ साथ में राजस्थान का जीके भी कवर करना होगा। लेकिन आप ओनली फॉर बीएसटीसी की तैयारी करें तो सिर्फ आपको राजस्थान का जीके पढ़ना है, इंडिया जीके से आपका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन आप बीएसटीसी की तैयारी करें तो साथियों आपको इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप 12वीं के अंदर ही हो तो जो आपकी 12वीं के अंदर भी अपने राजस्थान में इतिहास की किताब चल रही है, भारत का इतिहास, वो किताब सबसे बेस्ट रहने वाली है, सबसे बेस्ट रहने वाली है वो किताब इतिहास के बारे में, वहां से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो साथियों आपका जो भारत का इतिहास किताब का सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो राजस्थान के बारे में, वो वहां से साथियों आपके 10-12 प्रश्न बनने वाले हैं, तो उसको आप पढ़ लो। उसके बाद राजस्थान जीके की कोई एक बुक परचेज कर लो, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर साथियों देखिएगा, आपको ये तो अब ये तो नहीं है ना कि सर मुझे तो बीएसटीसी का कोर्स लेना है, मुझे पीटीटी का कोर्स लेना है। कोर्स दोनों के लिए समान ही चलेगा। आप दोनों की तैयारी करें तो आपको जो जो सब्जेक्ट आपके दोनों में है वही पढ़ने हैं। दोनों की तैयारी करें साथियों, ये आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मान लिया कि आप पीटीटी की तैयारी करें तो आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी करें तो आपको इंडिया जीके नहीं पढ़ना। ये दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप कौन सी तैयारी करें। मतलब इनकी तैयारी में यूं फर्क नहीं है कि सर बीएसटीसी की तैयारी करूं या पीटीटी की तैयारी करूं। अरे भाई, दोनों का सिलेबस एक है, अलग से तैयारी नहीं होगी। वही हिंदी पढ़ के तेरे को बीएसटीसी का एग्जाम देने जाना है, वही हिंदी पढ़ के तुझे पीटीटी का एग्जाम देने जाना है, तो तैयारी एक ही करेगा, फिर भी दोनों की होगी। तू चाहकर भी एक की तैयारी नहीं कर सकता। तो इसमें साथियों आपको कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। दोनों का नया सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहां पर बात कर ली है कि सेक्शन अब्यूरूसी के 50% पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के 50% होंगे, बीएसटीसी में हिंदी के 30 होंगे और इंग्लिश के 20 होंगे, पीटीटी के अंदर क्या होंगे, 50 के 50 होंगे हिंदी के, बीएसटीसी में राजस्थान जीके से 50% पूछे जाएंगे, जबकि पीटीटी के अंदर इंडिया जीके से 50% पूछे जाएंगे। ये
साथियों आपका सिलेबस था जिसके बारे में अपन ने बात की है। तो आशा करता हूं कि आपको सिलेबस से संबंधित तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बस याद रखना कि जो असफलता है वो इंसान को तोड़ देती है, जीवन को नया मोड़ देती है, लेकिन जो करते हैं जी जान से परिश्रम असफलता साथियों उनका पीछा छोड़ देती है। अब बात करेंगे कि हमें भी क्या है, मान लिया कि 2020 में हम किसी कारणवश से सिलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या 2021 में हमें बीएसटीसी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अभी बात करते हैं साथियों क्या है क्लासेज की, जो आपको पेड कोर्स है वो पेड कोर्स किस प्रकार से फ्री मिलने वाला है। सबसे पहले बात करूं, ये कोई झोलझाल वाली बात नहीं कि नहीं मिलता पेड कोर्स पर, ऐसा नहीं है। क्योंकि साथियों एक दिन ऐसा ही मैंने 19 मार्च के आज पा ऐसी कुछ डेट थी, पिछली बार भी 2020 के अंदर इसी प्रकार से हमने कहा था कि पेड कोर्स फ्री देंगे और पूरा साथियों वादा है। आप यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पढ़े देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा पेड कोर्स किया दिया, बिल्कुल फ्री दिया, एक रुपया तक किसी से नहीं लिया। और यहां पर भी आपको कहने वाला हूं एक रुपया तक आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या कीजिएगा साथियों, जब सिलेक्शन हो जाए तो दुआएं कीजिएगा कि आप भी बड़े होकर किसी की सहायता कर सको। जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं बाहर नहीं जा सकते हैं, जो पैसों की कमी के कारण क्या है बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको साथियों आप सहायता करना, बस हमें बहुत तसल्ली मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। क्योंकि साथियों हम जहां से पढ़े हमें भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया गया है, तो हमें भी कहा गया था कि बस तू निःशुल्क मुझसे पढ़ रहा है तो तू आगे 100 लड़कों को निःशुल्क पढ़ा लेगा तो मेरा क्या कर्ज उतर जाएगा। तो मैं भी आपसे आशा करूंगा कि साथियों आप अगर निःशुल्क पढ़ रहे हैं तो आपने जो ज्ञान यहां से प्राप्त किया वो और किसी भाई बहन को आप दे देंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, वही साथियों हमारी क्या होगी गुरु दक्षिणा होगी। अब बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में, पेड कोर्स कैसे मिलेगा। सबसे पहले देखिए क्या साथियों, कोई ऐप वैप की झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको सारा का सारा पेड कोर्स क्या किया जाएगा, फ्री अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में साथियों आपको जो घंटी वाला आइकन मिलेगा उस घंटी वाले आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि सारे के सारे वीडियो आपको मिल पाए, नहीं तो साथियों आधा अधूरा पेड कोर्स मिलेगा तो भैया कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो क्या करता है, नुकसान देता है। बात करेंगे साथियों कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस लगने वाली, थोड़ी सी आप इसको स्ट्रेटजी को संभलना होगा, इसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कि बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कैसे करें। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिएगा साथियों तीन क्लासेज हो पाएगी आपके लिए। कितनी क्लासेज, तीन क्लासेज हो पाएगी। कौन कौन सी तीन क्लासेज, तो सबसे पहली बात है सबसे पहले तो बहुत ही क्या मजबूत बना लो, बहुत ही मजबूत बना लो अपनी शिक्षण अभिरुचि को। और यूट्यूब के ऊपर पूरी आपको यहां जो शिक्षण अभिरुचि मिलने वाली है वादा है, टक्कर ले लो आप, कहीं पर भी आपको ऐसी शिक्षण अभिरुचि मिल जाए तो मुझे लाके बताना बिल्कुल साथियों, एकदम बहुत ही अच्छे प्रकार शिक्षण अभिरुचि का कराया जाएगा। और साथियों मैं वादा करता हूं इस YouTube के अंदर मेरे सारे के सारे BSTC 2020 की शिक्षण अभिरुचि के वीडियो आज भी YouTube पे अपलोड है, आप उन वीडियो को देख लेना और उन वीडियो को देखो जब मैंने तैयारी कराई थी, उन वीडियो को देखो और उसके बाद आप साथियों 2020 का जो BSTC का पेपर आया था उस पेपर को देख लो। एक भी पर्सन पेपर है वो हमारे जो वीडियो थे उन वीडियो से बाहर नहीं गया है। BSTC में शिक्षण अभिरुचि के 50% आते हैं और 50 के 50% अपने वीडियोज में से आए हैं, यह बात साथियों आप चेक कर सकते हो। मैं अगर झूठा तो आप 2020 के मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, साथ में आप क्या 2020 का पेपर का मिलान कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो साथियों इतना वादा दे लेता हूं कि आप मेरी शिक्षण अभिरुचि का एक भी वीडियो नहीं छोड़ोगे तो आप 50 में से 50 सही करके आ सकते हो। और साथियों देखिएगा बहुत से स्टूडेंट है, ये कितने नंबर का होता है आपका, कहेंगे यहाँ पे क्या है 150% आते हैं साथियों, ये 150 नंबर का होता है। और ऐसे हमारे बहुत से स्टूडेंट रहे जिन्होंने यहाँ पे 138 140 145 तक का स्कोर किया है 150 में से, ठीक है ना। तो साथियों ये आपके लिए चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले जो अपन क्लास रखेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड की रखेंगे, इनकी शिक्षण अभिरुचि की रखेंगे। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा अपना साथियों कौन सा, शिक्षण अभिरुचि। सबसे फर्स्ट क्लास की शुरुआत पिछली बार भी इसी से हुई थी, इस बार भी इसी से होनी चाहिए, शिक्षण अभिरुचि की रहेगी। उसके साथ साथियों पर मानसिक योग्यता रीजनिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से, दो सवाल साथियों पिछली बार सिर्फ बाहर से आए थे, एक तो मैंने सिक्कों वाला प्रश्न नहीं कराया था, हालांकि बता दिया गया था कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं लेकिन लगा नहीं था कि साथियों इतना सा रीजनिंग के अंदर थोड़े से दो प्रश्न आ गए थे, एक सिक्के वाला रहे रेलगाड़ी। क्योंकि साथियों जो सच है वो मैं सच ही बोलूंगा, यहां पर मैं डिंगे नहीं फेंक सकता कि मानसिक योग्यता में 50 में से 50 अपने आए, जो है वही बात कर रहा हूं साथियों। दो प्रश्न ऐसे थे, एक तो सिक्कों वाला प्रश्न आया था, आप सभी को पता है 2020 वाले भाइयों को भी पता होगा, एक जो रेलगाड़ी वाला प्रश्न आया था, ये दो मैंने आपको नहीं कराए थे, बाकी पूरे के पूरे 48% है, 48% थे वो अपने यहां से ही छपे थे, इस बात को साथियों आप ध्यान से समझ लेना। तो अब की बार वो भी प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे ताकि अब की बार थोड़ी संभावना और भी किसी प्रश्न की होगी, सारे के सारे प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न क्या गलत नहीं हो। तो मानसिक योग्यता है, दूसरा अपना रहेगा मानसिक योग्यता, ये दो क्लासेज होगी डेली की आपके, जिसको कहेंगे साथियों मेंटल एबिलिटी। पहला हो जाएगा टी ए टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा हो जाएगा एम ए मेंटल एबिलिटी, तीसरा साथियों अपन अब की बार जीके को साथ साथ में चलेंगे। पिछली बार अपन जीके
जीके पूरा नहीं कर पाए थे, फिर भी बहुत ही अच्छा स्कोर रहा सभी का जीके में। इस बार साथियों जीके को साथ साथ में चलेंगे राजस्थान जीके होगा जो पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के लिए काम का है, तो राजस्थान जीके की एक क्लास और रहेगी। साथियों बस दिन के अंदर आपको ये तीन क्लासेज मिलने वाली है, पर डे आपको ये तीन क्लासेज मिलेगी जिसके अंदर आपको साथियों शिक्षण अभिरुचि मानसिक विविधता राजस्थान जीके होगी। आप कहेंगे सर चौथा सब्जेक्ट हिंदी और होता है, बीएसटीसी पीटीटी करें तो हिंदी होगा और बीएसटीसी करें तो हिंदी और इंग्लिश होता है, वो कहाँ जाएंगे? तो साथियों इन तीनों में से जैसे ही एक का कोर्स पूरा हो जाएगा तब चौथा कोर्स हिंदी को शुरू कर दिया जाएगा। तब तक साथियों 2020 में आपके जो वीडियो वगैरह डाले हुए हैं हिंदी के वो आप देखते रहिएगा, क्योंकि साथियों एक दिन के अंदर चार क्लासेस लेना संभव नहीं है। हालांकि अभी मैं स्कूल ज्वाइन किया हुआ हूँ तो जहाँ पे मैं पढ़ाने वगैरह जा रहा हूँ मार्केट के अंदर नहीं हूँ, अभी घर पर ही हूँ वैसे, तो गाँव के अंदर यहाँ पर मैं जाना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। इसलिए साथियों अभी आपसे निवेदन रहेगा कि जो तीन क्लासेज है ये तीन क्लासेज आप रेगुलर रहते रहिएगा और जैसे इनमें से एक का सिलेबस पूरा हो जाएगा अपन चौथी क्लास शुरू कर लेंगे। हालांकि पीटीटी के लिए अपने पास समय कम रहा है, लेकिन साथियों बुरी बात यह है कि समय कम रहा, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, अपन को पॉजिटिव तरीके से सोचना है, समय अभी भी है अपने पास, यूं नहीं कि समय चला गया, नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है। इस समय के अंदर भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि समय कम है तो 2020 के जो बीएसटीसी वाले वीडियो देख लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप सारे के सारे वो वीडियो देखना शुरू कर लीजिएगा। तो बात करेंगे कि अब ये इनका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कौन सी आप कहेंगे सर आपके मान लिए हम तीन क्लासेज जाएगी आपकी, तो ये तीन क्लासेज कब आने वाली, इनका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, तो बात की जाए अगर उनके बारे में कि इन तीनों क्लासेज का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, तो साथियों देखिएगा अभी आपके स्कूल का टाइम है वो 1 बजे तक का है, तो आशा तो है कि 1 बजे के बाद मैं टाइम टेबल का शुरुआत करूं। लेकिन साथियों कुछ भाई लोग कहते हैं कि सर 1 बजे के बाद तो स्कूल से आने के बाद नींद आती है, तो 1 बजे के बाद गर्मियों की सीजन है तो सर नींद आती है तो पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 2-3 दिन के लिए मैं अस्थायी रूप से कुछ टाइम टेबल रख रहा हूं, 2-3 दिन आप उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये टाइम टेबल आपके लिए पूरा सेट हो रहा है तो अपन आगे भी इस टाइम टेबल को रखेंगे, नहीं तो आपके सलाह के अनुसार थोड़ा सा टाइम टेबल में क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि टाइम टेबल चेंज हो चुका हो, तो एक बार आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आके वहां पे भी अपडेट देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल अब हम जब शुरुआत कर रहे हैं सोमवार से, यानी कि आने वाले 11 या 12 तारीख से, 12 अप्रैल से, तब साथियों आपके लिए यहां पे ध्यान रखना है कि सुबह 8 बजे कौन सी क्लास आने वाली है। सुबह 8 बजे साथियों आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास आने वाली है, सुबह 8 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास आएगी। उसके बाद साथियों ये 1 घंटे की क्लास होगी शायद, इसमें मैं आपको पहले थ्योरी कवर कराऊंगा और थ्योरी कवर कराते ही बाद में प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के आपको आंसर करना होगा। एक वीडियो में आपका एक टॉपिक कंप्लीट, 7-8 टॉपिक या 7-8 क्लास के अंदर आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पिछली बार की भांति अपन 500-600 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर से आने वाला नहीं है। तो 8 बजे आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद साथियों सुबह 9:30 बजे आपको मानसिक योग्यता की क्लास मिलेगी। सुबह 9:30 बजे आपको कौन सी क्लास मिलेगी साथियों? मानसिक योग्यता की क्लास मिलेगी। और उसके बाद साथियों क्या होगा, 12 बजे, ठीक है 9:30 से 10:30 हो गया तो 11 बजे रख लेते हैं अपन, 11 बजे आपको कौन सी क्लास मिल जाएगी, 11 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिल जाएगी। फिलहाल साथियों आपके लिए क्लासेस का जो टाइम टेबल रहेगा वो ये रहेगा। साथ साथ में आपके भाई क्या है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक शिक्षक के अंदर सबसे अच्छा गुण साथियों वही होता है, आपके शिक्षण अभिरुचि में ही काम आएगा, याद रखना। एक शिक्षक का सबसे अच्छा गुण वो होगा उसको विषय का ज्ञान हो, उससे पहले उसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो एक अच्छा प्रेरक हो, सामने वाले को मोटिवेट कर सके, पढ़ने के अंदर उसकी रुचि पैदा कर सके। तो प्रेरक के रूप में मैं साथियों कोशिश करूंगा कि ये शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो आपके लिए डेली डालता रहूं, 30-20 सेकंड का कुछ अच्छा दुआ वगैरह उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि मोटिवेशन कोट्स डालता रहूं। लेकिन ये तीनों क्लासेज है ये साथियों आपके लिए हमेशा से रहने वाली है। फटाक से साथियों क्या है, एक तो आपके पास साथ साथ में साथियों जो भी क्लासेज वगैरह होगी, जहां भी संबंध हो पाएगा, कुछ नोट्स वगैरह है तो वो भी हमारे ग्रुप के अंदर शेयर किए जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं आपको थोड़े से यहां पे नंबर्स भी दे रहा हूं कुछ साथियों। एक तो आपको डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप साथियों क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए राजस्थान जीके की जो क्लास आएगी ये ऑल ओवर जितने भी जो भी पटवार रीट वगैरह सारी वनपाल वन रक्षक जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे जहां पर राजस्थान जीके आता सबके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। उसके साथ साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जिस पे आप मैसेज करके साथियों क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। बीएसटीसी के लिए देखिए ये नंबर है 7412830304 साथियों, आपको ये नंबर दे रहा हूं। अगर आप बीएसटीसी की रुक जाइएगा भाइयों, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसटीसी 2021 लिख के आपको मैसेज करना है ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको पीटीटी 2021 लिख के क्या करना है, मैसेज करना है ताकि आपको साथियों उसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें, जहां पे कुछ न्यूज वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह है, मॉडल पेपर वगैरह है, वो सारे भेजे जाएंगे। साथियों ये आपका शेड्यूल रहने वाला है।
एक बार साथियों आपको विश्वास करके देखना होगा, 6-7 दिन मेरी क्लासेज आप लीजिएगा, 100% श्योर है किताबों के अंदर, किताबों को पढ़ने में आपकी रुचि पैदा कर दूंगा, हर चीज को बारीकी से समझने में आपकी रुचि पैदा कर दूंगा। फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो साथियों मर्जी आपकी है, क्योंकि साथियों क्या है, हाँ मैं मिट्टी की काया नहीं जो तुम ढालोगे और मैं ढल जाऊंगा, किरदार अपना मन चाया हूं तुम चलो मैं निखर कर आऊंगा। कहते हैं ना कि किसी से कहने के कुछ नहीं करना है, अपन खुद को अपने विवेक से फैसला लेना है, जहां पर अपन को फायदा मिल रहा है वहां पर रुकना है, और साथियों जहां पर फायदा नहीं मिले वहां पर कभी भी रुकना मत, वहां पे क्या है साथियों हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो साथियों ये फैसला आपके पास होगा, 6-7 दिन आप क्लासेस लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपको यहां से कितना बेनिफिट होने वाला। अब यहां पे मेरी सबसे बात रहेगी, इतनी सारी मैं आपको चीजें दे रहा हूं, इसके बदले में मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगा, क्या पैसे? अरे पैसों का नाम तो लेना ही नहीं है यहां पर साथियों। यहां पर जो मैं आपसे चीज मांगने वाला हूं वो सिर्फ मांगने वाला हूं आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा साथियों आपको इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, कम से कम एक भाई बहन साथियों 10 स्टूडेंट को जोड़ेगा, अपने 10 मित्रों को जोड़ेगा। 10 क्या सर हमारे स्कूल के अंदर तो क्या है 12वीं क्लास में 60 स्टूडेंट, तो 60 के 60 जोड़ेंगे। बिल्कुल साथियों जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को जोड़ना है, जो BHTC की तैयारी कर रहा है, जो PTD की तैयारी कर रहा है, और मेरे जो 2020 के अंदर जो भी भाई बहन 126+ जो भी मुझे देख रहे हो आप सिलेक्ट हो गए हो, तो साथियों आप तो BHTC की तैयारी करके सिलेक्ट हो गए चले गए, लेकिन साथियों आपसे भी क्या है आपको सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको तो साथियों 10-10 नहीं 20-20 स्टूडेंट को जोड़ना है। देखो हम वहां से सिलेक्ट होकर आए हैं, तो साथियों आपको भी वही चैनल ज्वाइन करना होगा। तो साथियों जो 2020 के अंदर सिलेक्ट हो गए उन सभी प्रत्येक स्टूडेंट को 20-20 स्टूडेंट जोड़ने हैं, और जो 2021 में तैयारी करें उनको साथियों क्या है 10-10 स्टूडेंट जोड़ने हैं, तभी साथियों मैं मानूंगा वास्तव में आप क्या प्रेम दे रहे हो। और साथियों यही बात है, आप जितना प्रेम दोगे उतना ही साथियों क्या होने वाले, अपन अच्छा करने वाले हैं, गुड करने वाले, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वही सबसे बड़ी चीज है। मेरी अगर सबसे कोई बड़ी पूंजी है तो साथियों वो मोटिवेशन है, आत्मविश्वास है, और यह आत्मविश्वास कैसे मिलेगा, थोड़ा मैं खुद पैदा कर सकता हूं और थोड़ा आपके प्रेम से पैदा कर सकता हूं। तो यहां पर साथियों मैंने जो भी आपको जानकारी दी है आशा करता हूं कि वो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और जो आपको क्लासेस का टाइम टेबल है वो भी बता दिया गया है, सोमवार से अपनी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी साथियों क्या अपने दोस्तों को जोड़ लेना है, जिनको अभी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिला है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेंगे, सारे के सारे ग्रुप फॉलो कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपकी क्लास के अंदर समस्या रहती है पढ़ाते वक्त तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी प्रत्येक समस्या का हल करने की कोशिश करूंगा। अब बस साथियों आशा करता हूं कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।